हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे पूछा गया है कि अगर मैं फ्रेशर हूं और क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे कौन सा अप्रोच या कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, या फिर मैंने किसी पर्टिकुलर डोमेन में अप्लाई किया है किसी बड़े एमएनसी में, लेकिन फिर भी मेरा एप्लीकेशन स्टेटस 6 महीने से या 5 महीने से एक ही स्टेटस दिखा रहा है, पेंडिंग रिव्यू या फिर एप्लीकेशन सबमिटेड, लेकिन उसके बाद कोई भी स्टेटस नहीं ट्रैक कर पा रहा हूं, जो स्टेटस पहले था वही दिखा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एज ए फ्रेशर्स दोस्तों, हमारे लिए कुछ कठिनाइयां होती है, क्योंकि सबसे पहली बात कि फ्रेशर लेवल पे कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी में, अगर TCS को एग्जांपल में ले तो किसी कंपनी में अगर पर्टिकुलर डोमेन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में 100 ओपनिंग्स अगर निकलते हैं किसी महीने में, तो उस ओपनिंग के लिए लगभग 2000 से ज्यादा फ्रेशर्स के एप्लीकेशंस HR या टैलेंट टीम के पास आती है। तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रोसेस में सारे एप्लीकेशंस को सॉर्ट आउट करना, रिव्यू करना और उसी बेसिस में एक सही कैंडिडेट को चुनना, ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो किसी किसी सिनेरियो में टाइम लगता है दोस्तों। एज अ फ्रेशर अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और 1 महीने 2 महीने में रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक ही कंपनी का वेट मत कीजिए। जितने भी ओपनिंग्स निकल रहे हैं, सारे ओपनिंग्स में आप अप्लाई कीजिए, सारे ओपनिंग्स को सही तरह से जो जॉब पोर्टल्स है या फिर जो सोशल मीडिया या लिंक्डइन है या जो कैंपस ड्राइव्स होते हैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, तो इन सब चीजों का न्यूज कलेक्ट कीजिए कि कहां पे किस कंपनी में ओपनिंग्स आ रहे हैं। अपने सीनियर्स अगर रहते हैं कॉलेज के, कोई अगर इस डोमेन में जॉब करते हैं, मैं पर्टिकुलरली CDM की बात कर रहा हूं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च हो या फार्माकोविजिलेंस, सारे डोमेन में प्रोसेस लगभग सेम होता है। इसीलिए एज एन एग्जांपल मैं CDM की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर कोई आपका सीनियर अगर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जॉब करता है तो उनसे न्यूज लीजिए, उनके साथ रैपो बिल्ड कीजिए, कनेक्ट कीजिए कि किस तरह के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। मेरे चैनल पे मैं हर वक्त इस तरह के गाइडेंस देते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे बहुत लोग फायदेमंद हुए हैं। और अगर आप अपने जरूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करते हैं ये वीडियोस, तो उनके लिए भी ये यूजफुल होने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कंपटीशन ज्यादा है, तो ज्यादा कंपनीज में आप अप्लाई कीजिए, इससे क्या होगा, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्रोच हमें क्या फॉलो करना चाहिए। ऐसे बातें तो हर लोग कहते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है, तो इसी सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो अगर हम फ्रेशर है तो हम किस तरह से किसी कंपनी में डेटा मैनेजमेंट के लिए या फार्माकोविजिलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका 2 स्टेप्स होता है, 2 प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कैंपसिंग, यानी कि फ्रेशर्स को किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बल्क में हायर करते हैं किसी कॉलेज से, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैंपसिंग। तो कैंपसिंग को लेके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो उससे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कैंपसिंग को लेके मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि इस प्रोसेस में कॉलेज में किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि TCS CDM में लोगों को हायर करेगी, तो TCS के मैनेजर्स या HR टीम एक कॉलेज में जाती है, अगर CDM में हायर करना चाहती है तो वो फार्मा कॉलेज में जाएगी, फार्मा कॉलेज या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां पे बायोटेक या फिर दूसरे लाइफ साइंस रिलेटेड डोमेन्स पढ़ाए स्ट्रीम्स पढ़ाए जाते हैं, तो उस कॉलेज में जाएगी। इस कॉलेज में पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा और उसी के बाद सिलेक्शन होता है। अब बात करेंगे कि ये कैंपसिंग के लिए अगर आप नॉर्मल कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आप तो एलिजिबल है नहीं, तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करें।
तो इसी के लिए दूसरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑफ कैंपस ड्राइव। तो ऑफ कैंपस ड्राइव को लेकर भी मैंने अपने एक वीडियो में उसको कवर किया है। आप अगर ऑफ कैंपस ड्राइव को देखते हैं तो उसमें सारे डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी को बताए हैं, तो उसको अगर आप रेफर करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑफ कैंपस ड्राइव में आप दो तरह से या क्या दो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि किसी भी कंपनी के करियर पोर्टल में जाइए, यानी कि अगर आप TCS, Cognizant, Accenture या Wipro के क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है, आप फ्रेशर है, आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप TCS के करियर साइट में जाइए, Cognizant के करियर साइट में जाइए, वहां पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको अपना मेल आईडी देना होगा, अपना डिटेल फॉर्म डिटेल वहां पे डालना होगा, आपका नाम, आपका मेल, आपका एड्रेस, आपके रिज्यूमे को अपलोड करना होगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मार्क्स क्या है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डालने होंगे। उसके बाद वाला प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लोग नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आप सपोज TCS के करियर पोर्टल में प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए अप्लाई करना जरूरी है। जैसे कि आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, आप जॉब सर्च कीजिए कि आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टाइप करके सर्च कीजिए करियर साइट में। फ्रेशर्स लेवल के जो भी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट फ्रेशर्स के लिए अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब वहां पे शो करता है तो उसमें अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई करने से ही आपका प्रोफाइल करियर पोर्टल में जो टैलेंट टीम है उसके पास चला जाएगा, और उसी बेसिस पे अगर आप एलिजिबल है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको मेल किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। अब बात करते हैं कि ये तो करियर पोर्टल का प्रोसेस हो गया कि करियर पोर्टल में हमने प्रोफाइल क्रिएट किया, उसके बाद क्या करना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नौकरी या फिर लिंक्डइन में भी बहुत सारे फ्रेशर्स रिलेटेड ओपनिंग्स पोस्ट किए जाते हैं, वहां पे मेल आईडी भी दिया जाता है। तो उस मेल में आप अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कीजिए विद प्रॉपर बॉडी, मेल बॉडी में प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप का पूरा नाम, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आप किस डोमेन में यानी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट या फार्माकोविजिलेंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप किस लेवल में काम करना चाहते हैं, यानी कि आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है या फिर मैनेजर लेवल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने मेल में मेंशन कीजिए, और ये भी मेंशन कीजिए कि आप इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपको किसी भी लोकेशन में अगर लेती है कंपनी तो आप कंफर्टेबल है। तो ये सारी चीजें अपने मेल में मेंशन करके जो आपको लिंक्डइन में जो मेल आईडी दिया गया है फ्रेशर जॉब के लिए उनको मेल फॉरवर्ड कीजिए, और उसके बाद अगर आपको वो लोग रेफर करते हैं तो फिर आपके पास कंपनी की तरफ से मेल चला आएगा और सेम प्रोसेस फॉलो होगा। पहले ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, और उसके बाद आपको एचआर के साथ कॉल होगा और ऑफर लेटर आपको भेजा जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक्सेंचर में अप्लाई कर चुके हैं लगभग 4 महीने पहले या 5 महीने पहले। एक फार्माकोविजिलेंस की ओपनिंग थी जहां पे उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वो जब भी अपने कैंडिडेट आईडी या क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं तो उनका एप्लीकेशन स्टेटस 3 महीने पहले भी जो दिखाता था अभी भी वो दिखा रहा है। तो उसकी वजह से एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो कैंडिडेट्स एक्सेंचर में अगर कोई नई ओपनिंग्स आ रही है वहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली एक नया मेल आईडी क्रिएट करना है, और वो जीमेल आईडी से आपको नया प्रोफाइल क्रिएट करना है, और उस प्रोफाइल से आप अप्लाई कीजिए। अगर करते हैं तो मैं 100% आपको कह सकता हूं कि नए प्रोफाइल से आप
उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछला जो स्टेटस है उसको जैसा है रहने दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी चेक करती है कि क्या बैकलॉग में कितने एप्लीकेशन पेंडिंग है, और अगर रिक्वायरमेंट है उसी बेसिस पे वो लोग इंटरव्यू भी स्केड्यूल करती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि पिछला स्टेटस जो है उसको लेकर कोई भी छेड़खानी मत कीजिए। अगर आप पिछले मेल आईडी से किसी नए जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको नया मेल आईडी से नया प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, और उसके बाद आप अप्लाई करके देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो ऐसा ही अगर सीडीएम को लेकर मैंने कहा, फार्माकोविजिलेंस का भी प्रोसेस सेम होता है। और मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि सिर्फ करियर साइट में ही नहीं, जॉब पोर्टल्स में भी सही तरह से आप जॉब सर्च कीजिए। अगर आप डेटा मैनेजमेंट या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने स्किल सेट को क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, डेटा मैनेजमेंट, इन सब स्किल सेट से इसको फिल्टर कर लीजिए, ताकि इंटरव्यूअर को भी आसानी हो कि कौन से कैंडिडेट इस डोमेन के लिए रेलिवेंट होने वाले हैं। तो फ्रेशर्स क्या करते हैं ज्यादातर कि वो सब स्किल सेट्स वहां डाल देते हैं, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग, और जॉब अप्लाई कर रहे हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के लिए। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वही स्किल सेट अपने प्रोफाइल में डालिए, तो इससे आसानी होती है शॉर्ट आउट करने में। तो यही था आज के लिए दोस्तों। आशा करता हूं इससे रिलेटेड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह के अप्रोच एज अ फ्रेशर आपको फॉलो करना चाहिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा होगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट में बताइए, मैं इससे रिलेटेड क्वेरी अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिजॉल्व करूंगा। दोस्तों आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे, धन्यवाद।